नेक्स्ट अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द केरला स्टोरी ऑफिशियल ट्रेलर. एक्चुअली इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अ स्पाइन चिलिंग नेवर बिफोर टोल्ड ट्रू स्टोरी. तो ये ट्रू स्टोरी है, तो मतलब जिसे ट्रू स्टोरी जहां पे हो वहां पे एक्साइटमेंट डबल हो जाती है, राइट. रिवीलिंग अ डेंजरस कॉन्स्पिरेसी दैट हैज बीन हैच्ड अगेंस्ट इंडिया. ओ माय गॉड. द केरला स्टोरी इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ द ट्रू स्टोरीज ऑफ थ्री यंग गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरला. मतलब ये तीन लड़की यंग लड़कियां जो केरला में ही रहते थे उनके ऊपर ये स्टोरी. ओ माई गॉड. द ट्रूथ शैल सेट अस फ्री. थाउजेंड ऑफ इनोसेंट वुमेन हैज बीन सिस्टमैटिकली कन्वर्टेड रेडिकलाइज एंड देयर लाइफ डिस्ट्रॉयड. इट्स देयर साइड ऑफ स्टोरी. ओ माई गॉड. पता नहीं मुझे बड़ी डेप्थ वाली चीज लग रही. ओके इससे मेरी एक्साइटमेंट ट्रेलर के लिए डबल हो गई है. तो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माई चैनल. रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गो. शालिनी उन्नीकृष्णन, केरला की तरफ, हिंदू फ्रॉम केरला. टेल मी व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आईएसएस. आईएसएस कब जॉइन किया ये जानने के लिए, क्यों जॉइन किया, कैसे जॉइन किया ये जानना जरूरी है. ओ माय गॉड. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह. उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो. तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो. आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है. हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है. Oh my God. फातिमा. मतलब घर पे पता नहीं इस चीज से शादी कर ली. दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा. हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा. माय गॉड. एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है. Come back, you're not safe, Shalini. Please come back. Oh my God! हम 48 girls में से 7 Christian हैं, बाकी हिंदू हैं. मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में. मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है. Unexpected. My God. Shit. क्या बोलने का. अगर मैं इसके बारे में ना इस पे सर्च करूं गूगल पे, द फिल्म कोटेड कॉन्ट्रोवर्सी आफ्टर इट्स टीजर माउंटेड क्लेम्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स फ्रॉम केरला being converted to Islam for recruitment of Islamic State of Iraq and Syria. My God. Oh, shabbat. मेरे को एक यहाँ पे भी comment दिख रहा है. I'm from Kerala. It's based on a true story. The film exposes the world, the reality of. Oh my God. मैं totally shock में हूँ, पता है आपको. Like कितनी beautiful जगह है Kerala, right? नेचर वेचर एंड ऑल बात करती हूँ मैं हमेशा कि वहाँ पे मुझे घूमने तो जाना है एंड एक बार तो विजिट करना है
एंड डेप्थ इनसाइड, जैसे कि लाइक ऐसे मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो प्यार, पीस, मोहब्बत इन सब में बहुत बिलीव करती हूँ, और जब ऐसे कुछ चीजें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कहीं और दुनिया से तो नहीं हूँ। ये ऐसी चीजें, ऐसे एजेंडा, क्या मिलने वाला आपको ये सारी चीजें करके? ओ माय गॉड, मैं मतलब एकदम शॉक हूँ। पता है वो जो एक लाइन थी, अगले 20 साल में केरला एक अलग इस्लामिक स्टेट हो सकता है, आई एम टोटली शॉक। पहले ही धर्म के ऊपर इंडिया का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान इंडिया, और ज्यादा बंटवारे और ये सारी एजेंडा, क्यों प्यार से नहीं रह सकते, क्यों नहीं चीजें कर सकते, आई लिटरली कांट अंडरस्टैंड। नहीं क्या एक किसी ने तो लिखा है, दिस आई एम फ्रॉम नागपुर, माय द स्टोरी ऑफ खुशी परियार है ना, ओके ओके ओके, ये उस मूवी से रिलेटेड नहीं। ओके बात करूं अगर एक्टर्स के, अदा शर्मा अनएक्सपेक्टेड जो काम किया आपने, आउटस्टैंडिंग, मतलब जो एक्सप्रेशंस थे, जो सारी चीजें थे, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। आदा शर्मा ने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है एंड ऑल, दिस इज टू गुड, टू गुड। नहीं क्या सीरियसली, ओ माय गॉड, मेरे को ये ट्रेलर, मतलब इसने मेरे को शॉक कर दिया, मां कसम। बात करूं बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके सारी चीजें ऐसी थी जो आपको वहां पे रोके रखेगा, और एक एक लाइन कुछ इस तरीके से थी, लाइक समझो उन्होंने बोला था कि ऐसे लोगों पे रेप नहीं होता, हमको प्रोटेक्ट करता है। आई एम लाइक माय गॉड, कैसे दूसरों को नीचा दिखा रहे हो आप, कि सिर्फ वी आर सुप्रीम, हमको ही प्रोटेक्ट किया जाता है, दिस इज द रियल थिंग एंड यू आर डूइंग दिस थिंग एंड ऑल, नहीं क्या। तो जहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं होती, मैं एक्चुअली वहां से बड़ी दूर रहती हूँ, बट ये ट्रेलर देखने के बाद सीरियसली आई एम शॉक्ड। करेज लगता है ऐसे मूवी लेके आने के लिए, एंड दिस इज जस्ट वाव। आपको इसके बारे में क्या कहना है, मतलब एक से एक चीज, स्टार्टिंग से एंड तक की जितनी चीजें थी वो आउटस्टैंडिंग थी। दिस इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। रियल स्टोरी एक ऐसी चीज होती है जो हमारा अटेंशन ग्रैब कर लेती है कि भाई साहब क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा, आगे किसने क्या किया होगा एंड एवरीथिंग। ओके तो दिस इज समथिंग लाइक ओ माय गॉड, ये गूगल पे तो हमको और भी ज्यादा चीजें मिल सकती है, बट मूवी देखने के बाद हम जब बाहर आएंगे ना, आई एम लाइक ओ माय गॉड, हम तो अलग ही मतलब प्यार वाली दुनिया में एकदम अच्छे से रह रहे, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, एंड ये कौन से लोग हैं ऐसे वाले, दी क्या, जो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। खतरनाक। सो दिस वॉज माई रिएक्शन ऑन द केरला स्टोरी ऑफिशियल ट्रेलर बाय सनशाइन पिक्चर्स। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी पर न्याले।